सर्किट एक काम कर। हाँ बस इधर रुका ये क्या पलंग पे चादर की तरह फैले ले चलो निकाल पलंग। सर टुक द सब्जेक्ट आउट ऑफ द क्लास और तुमने कुछ नहीं किया। क्या करता लड़ता उससे। सर उसने मेरा गला दबाया था। आई कुड हैव डाइड एंड दैट टपोरी लैंग्वेज इन द क्लासरूम। बोले तो अपुन की खोपड़ी में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है बाप। व्हाट इज दिस इज दिस सम ब्लडी कंट्री बॉय। एंड सर आपको मालूम है वो हम सबको कौन सा नाम से बुलाता है। मामू। ए मामू चलना हटना ए चल मामू बाजू हट। सर हम सब चाहते हैं कि आप उसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। यस सर। वन सेक हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों क्या कह के निकालेंगे उसे। वो सवाल पूछता है इसलिए या उसकी जबान साफ नहीं है इसलिए निकालेंगे। वो प्री मेडिकल एग्जाम में फर्स्ट आया है एंड वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू रेस्ट्रिक्ट हिम। बाजो ए झाड़ू कटका। अरे सफारी तो डरना अंकल क्या गार्डन में क्या चलना हो सीढ़ी संभालो थकेले। Sit. There's only one way out, as I see it. Rustam? Yes, sir? This term ka paper tum set kar. You set the toughest paper in the history of this institution. Sure, sir. Wo fail hoga, agli din uske haath mein uska leaving certificate hoga and he's out. Very good, sir. Sir, Munna bed leke aaya, sir. What? Come on, what are you waiting for? You mind your language. Leke aaya la matlab kya? Lekar aaya hai. Subah ho gayi mamu. मामू मामू सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। आपका टेंशन नहीं लेने का कुछ भी प्रॉब्लम है ना भाई को बोलने का। बाय बाय फादर इन लॉ। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है। नहीं। अच्छा पूछ। What the hell are you up to now? तुम्हारा ये डॉक्टर बोला कि आनंद भाई का बेड किसी दूसरे मरीज के काम आ सकता है तो अपने बेड खाली कर दिया। हमें इस बेड की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तेरे सोने के लिए नहीं है रे मामू। आनंद भाई ये तुम्हारा पर्सनल बेड है आराम से सोने का। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलता है आनंद भाई मस्त रहने का एकदम। आई वॉन्ट दिस बेड रिमूव राइट नाउ। ये संभाल के काटने का 12 साल से उसरा नहीं लगेला है। आनंद भाई एकदम चिकना होने का बाहर सनलाइट में जाने का बोले तो विटामिन डी मिलता है क्या। वो टोंडा सबको बोलते फिरे लाए के मुन्ना भाई से काम नहीं होगा। अभी आप उनको बोलने का काम के लिए। अभी मैं पढ़ाई करूँ या तेरा काम देखूँ। यार सुन ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए लाए याद भी नहीं रहता। तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। आइला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे कभी बोल ना मेरे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्लास में क्यों नहीं हो। अरे जो भी देखो तो क्लास से निकाल देता है साला। देखो सारे डॉक्टर्स तुमसे नाराज हैं। तुम प्लीज पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो। भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुरली मुरली तुम तो एकदम हीरो लग रहे हो आनंद भाई। सब नर्सेस की वाट लगने वाली है। ए इधर आओ इधर आओ। ए देखो आनंद भाई क्या लग रहे ला है। ए आनंद भाई घूमने चलते हैं। ये सर्किट हाथ देना। अरे वाह। ए आनंद भाई जल्दी देखो ना। आनंद भाई क्या मस्त शक्ल दाढ़ी के लिए चुराना माँ। मुरली ये क्या तमाशा है। तुम प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर तुम फेल हो गए तो वो तुम्हें निकाल देंगे। अच्छा देखो तुम पढ़ाई करो एग्जाम में पास हो जाओ फिर मैं तुम्हें चिंकी से जरूर मिलाऊंगी। पास तो अपन हो ही जाएगा उसका टेंशन नहीं है अपन को। कोई ना जाने जीवन का मतलब क्या है बस तू इतना सोच के तेरा मकसद क्या है। कुछ करने की अब है ठानी। अरे रोक के दिखा रहा मामू। सुबह हो गई मामू
बहुत डिफिकल्ट पेपर है। मामू सुबह हो गई, मामू मामू रे मामू, चंदा मामा सो गए। एलिमेंट्री कहना, एलिमेंट्री कहना लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी इंड्यूसेस। घड़ी के कांटे भागे, फिर से बोल। स्पाइनल कॉर्ड एट्रोफी। अरे एक मिनट तुम्हें चुप रह सो, विल यू प्लीज साइलेंस, आई कांट कॉन्सेंट्रेट यार, प्लीज। स्पाइनल SPINAL कॉर्ड CORD। खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो, सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू। हो गया सर, बहुत डिफिकल्ट था। बेस्ट ऑफ लक। दिस बॉय इज अ जीनियस। अब इस कॉलेज से ऐसे डॉक्टर पास होंगे जो अपने पेशेंट से कहेंगे मामू लेट जा, तेरी तो वाट लग गई है। रुस्तम, I want to know उसने टॉप कैसे किया? How would I know, sir? Yeah, how would you know? Sir, आपने मुरली प्रसाद शर्मा को बुलाया था? Cinnamon, cinnamon. Come in. So, Mr. Sharma, you have topped again. बोले तो वो अपने प्रोफेसर लोग मत सिखाते ना। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या साबित करना चाहते हो? पूछना, पूछना। तुम समझते क्या अपने आप को? मैं जानता हूँ कि तुम चीट करके पास हुए हो। कैसे मुझे पता नहीं, but I will find out, Mr. तेरे को लगता है अपुन ने चीटिंग किया? अपुन खुल्ला बोलता है किया, अगली बार भी करेगा। तू जो कर सकता है कर ले। Shut up! इस ऑफिस में आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है रे। यू 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 यू, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं। मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल सकता हूं। भूल गए तुम्हें और तुम्हारे बाप को मैंने कैसे निकाला था? कैसे भूल सकता हूं रे, सब कुछ याद है। मेरा बाप मेरे सामने रुक गया। अब तू देख अपुन तेरे कॉलेज में रहकर तेरी वाट कैसे लगाता है। डॉक्टर भी बनेगा, तेरी बेटी से शादी भी करेगा। ये मुन्ना का चैलेंज है, तुझे जो करना है वो कर ले। मैं उसकी वाट लगा दूंगा। What am I saying? सुमन जी, अपुन वापस एग्जाम में टॉप किया। मुरली, आई एम बिजी। टेंशन नहीं लेने का, अपुन इधर ही वेट करता है। 3-4 दिन बाद ये टेस्ट करवा लेना। थैंक यू डॉक्टर। मुरली, तुम भी ना। सुमन जी, अपुन वापस टॉप किया ना? हाँ, सुना मैंने। कांग्रेचुलेशन। चिंकी को बोलो ना अपुन से मिले। वो तुमसे नहीं मिल सकती। अरे ये बहुत गलत है सुमन जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। शी इज स्केयर्ड मुन्ना, वो तुमसे मिलना चाहती है। पर तुम जानते हो कि डॉक्टर अस्थाना तुमसे कितना नाराज है। क्या दुखी आत्मा है साला, एक नंबर का रोतलू है। कोई साला उसको झप्पी क्यों नहीं देता? झप्पी बोले तो कस के गले लगाने का। अपुन की माँ उसको जादू की झप्पी बोलती है। सब टेंशन खलास। ए, रुक जा, दिखता नहीं गीला है। एक जाएगी तो अभी दूसरी आएगी। 25 टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है। हम इंसान है कि मशीन? कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा, दिन भर झाड़ू मारता रहूंगा। सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी, तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा। सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा? 20 साल से तो सुनता आया है। काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों, कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। नहीं, कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। सच्ची तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम साला सबका कचर पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू मकसूद है। बस बुलाएगा क्या, काम करने दे। जा। सॉरी। कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा साहब। चिंकी को बोलना अपने बाप को एक जादू की झप्पी दे, मस्के की तरह पिघल जाएगा। सुमन जी सच बोल रहा हूं,
मैंने फैसला कर लिया है, मैं कॉल करने वाला हूँ दुबई। दुबई किसे? अब्बास भाई को। वो मुन्ना को कहाँ गायब कर देगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। डैड व्हाट आर यू सेइंग? कौन अब्बास भाई? मेरे पेशेंट थे, दुबई से हर्निया का ऑपरेशन करवाने थे। यू नो व्हाट ही सेड टू मी? ही सेड अस्थाना भाई, ये हर्निया मुझ पे उधार रहा, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अब्बास भाई को याद करना। दीज आर मैन ऑफ ऑनर, दीज आर मैन ऑफ ऑनर। डैड, ओहो डैड, आपको ऐसी बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। या आई नो। हेलो हेलो जिंकी, मुन्ना बोल रहा है। वो तेरा डॉक्टर सुमन से बात हुआ कि नहीं? अरे वो तेरी फ्रेंड है ना डॉक्टर सुमन, अपुन की भी फ्रेंड है, अपुन ने मैसेज भेजा था उसके साथ, बात हुई कि नहीं? कौन सी बात? अरे अपने बाप को झप्पी देने के लिए। मामू का मूड कुछ सुधरा कि नहीं? मामू, ये कॉल मी मामू। मुन्ना क्या बात है? अपुन वापस टॉप किया। ये साला टॉप करने की आदत हो गई अपुन। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों तंग कर रहे हो? बोले तो तूने बोला था ना सुमन को कि अगर अपुन पास हो गया तो तू अपुन से मिलेगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ए चिंकी, ये रॉन्ग है, तूने प्रॉमिस किया था ना। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं क्लब किनो में 10 o'clock, ओके? माय ओन डॉटर, मिलने जाओगी इसे? आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मुन्ना हमें कभी तंग नहीं करेगा, ओके? ट्रस्ट मी डैड। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।